अभी मैं करतारपुर में हूँ और ये पंजाब का करतारपुर है, ये सिद्धू के भाई इमरान खान का पाकिस्तान वाला करतारपुर नहीं है। पीछे जंगे आज़ादी यादगार पंजाब के नाम से एक बहुत भव्य मेमोरियल बना हुआ है जिसमें पंजाब के उन तमाम शहीदों का स्टैचू लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया। इसके बगल में एक और मेमोरियल बनना चाहिए और वो मेमोरियल इसलिए बनना चाहिए कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान जितने भी पंजाब के लोग शहीद हुए हैं उनका भी स्टैचू लगना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक पंजाब के नेता है जो अपने आप को पंजाबी कहते हैं और भाई कहते हैं इमरान खान का, नाम है नवजीवत सिंह सिद्धू। जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी को बर्बाद कर देते हैं। भाजपा में जब तक थे भाजपा कभी भी अपने पैरों पे पंजाब में खड़ी नहीं हो पाई, कांग्रेस में गए हैं अब कांग्रेस को बर्बाद कर दिए हैं। और जिस पार्टी में जाते हैं उसी पार्टी के नेता से लड़ते हैं, पहले भाजपा के नेता से लड़ते थे उसके बाद से कांग्रेस के नेता से लड़ना भिड़ना इनका चालू रहा। इसमें जितने भी पंजाब के शहीद लोग थे उनका फोटो स्टैचू सब कुछ लगाया गया है, पार्क का व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। वो कमी क्या है कि इसमें घूमने के लिए आपको कम से कम 100 रुपया देना पड़ेगा। ज़रा सोचिए फिर गरीब बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से अपने आज़ादी के दीवानों की कहानी पढ़ पाएंगे। कम से कम आज़ादी के दीवानों की कहानी तो फ्री में पढ़ाया जाए ना, तब तो देश में नवजीवन सिंह सिद्धू जैसे लोग नहीं पैदा होंगे बल्कि देशभक्त पैदा होंगे और देश पे मर मिटेंगे। अभी सिद्धू इमरान खान को भाई बता रहे हैं लेकिन वो सिद्धू ये नहीं बता रहे हैं कि उनका भाई जो है करतारपुर जो पाकिस्तान में है वो हिंदुस्तान को क्यों नहीं दे रहा है। चलो हिंदुस्तान को मत दो लेकिन कॉरिडोर पे बात बात में विवाद क्यों करता है। चलो विवाद भी सही, पंजाबियों का हत्या पाकिस्तान में हो जाता है और नवजीवन सिंह सिद्धू का भाई इमरान खान चुप और मौन क्यों रहता है। इस पे सवाल सिद्धू नहीं करते हैं जबकि इस पे सवाल सिद्धू को करना चाहिए कि उनका भाई पंजाबियों का कातिल है, उनका भाई इस देश के लोगों का कातिल है, उनका भाई इस देश के जवानों का कातिल है, उनका भाई जो है इस देश में आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है। तो सिद्धू कहीं नहीं तो कहीं आतंकवादियों का समर्थन करने वाला इमरान खान का भाई अगर आप हो तो आप क्या कहलाओगे, जरा सोच लेना। राजनीति के चक्कर में आप इतने नीचे गिर गए हो कि इतिहास का पन्ना जो है ना कभी भी आपको माफ नहीं करेगा सिद्धू। और अगर हो सके ना तो गले मिलते हो ना एक बार इमरान खान से, आओ यहाँ पे करतारपुर में, ये पंजाब में स्थित है, जलंधर से अमृतसर जाने के दौरान रास्ते पे ही पड़ता है सिद्धू साहब, आपको पता होगा कहाँ पे पड़ता है ये। आओ और यहाँ पे जो आज़ादी के दीवाने थे ना उनका फ़ोटो देखो, आपके आंखों में आंसू आएगा कि किस प्रकार से उन्होंने आज़ादी दिलवाई। और अगर आज़ाद भारत नहीं होता ना, आज़ाद पंजाब नहीं होता ना, तो सिद्धू अपने सर पे पगड़ी बांध के जो है ना आप इमरान खान से मिलने नहीं जाते और इमरान खान को भाई नहीं बताते। बस अगर मेरा बात सिद्धू और सिद्धू के समर्थकों को बुरा लग जाए तो मैं चाहता हूँ कि बुरा लग जाए, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, इसलिए कि देश का अपमान, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हम लोग लगातार बोलते रहेंगे। और हो सके तो एक और म्यूजियम पंजाब में पंजाब सरकार बनाए और उस म्यूजियम में उन शहीदों को दिखाया जाए जो पाकिस्तान से युद्ध के दौरान जो है शहीद हो गए। उसके अलावा इस म्यूजियम के साथ साथ मैं दूसरे राज्यों से भी विनती करना चाहता हूँ कि जिन जिन राज्यों के फ्रीडम फाइटर आज़ादी में योगदान दिए उन राज्यों में इस प्रकार का एक भव्य म्यूजियम होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग इतिहास के किताबों में जो आज़ादी के दीवानों के बारे में पढ़ते हैं उन्हें म्यूजियम में जाके देख भी सके। और एक और विनती करना चाहता हूँ, पेट्रोल का प्राइस 5 रुपया और बढ़ा दो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रकार का जितना भी म्यूजियम है ना उसमें
फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जाने दो कम से कम। म्यूजियम जो आज़ादी के दीवानों के नाम पे बन रहा है ना, उसमें टिकट नहीं लगना चाहिए, ये मेरा सोच है। एक और विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जितना भी जगह होता है उसमें मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, पता नहीं क्यों प्रतिबंधित किया जाता है। जबकि जब नेताजी आते हैं कैंची वैंची चलाने, उद्घाटन करने, शिलान्यास करने या किसी ओकेजन पे आते हैं तो उनके साथ पूरा मीडिया का जमुआड़ा आता है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी के समय में जो है ना, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हम अंदर से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, हम अंदर से कुछ चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं। क्या पता इस म्यूजियम में कुछ अनियमितता बरती जा रही होगी। हम जब काउंटर पे गए, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने सीधा मुँह से बात भी नहीं किया, हमारा मदद भी नहीं किया। मदद तो दूर की बात है, उनसे जब हम लोगों ने सीनियर का फ़ोन नंबर मांगा तो सीनियर का फ़ोन नंबर नहीं दिया। ज़रा बताइए, आज़ादी के दीवानों की कहानी अगर हमें दिखाना हो, सुनाना हो या देखना हो, और यहाँ पे आए और यहाँ पे आज़ाद भारत में आज़ाद कर्मचारी अगर लोगों के साथ मिसबिहेव करे तो बड़ा दुख होता है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित इस देश की एक टैलेंटेड महिला कलाकार कंगना रनावत को भी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बॉलीवुड में चरस का नशा थोड़ा कम किया होता आपने और एक बार इस प्रकार का आज़ादी का में योगदान देने वाले शहीदों के म्यूजियम में आप घूम ली होती तो शायद ये नहीं कहती कि देश 2014 में आज़ाद हुआ। इन लोगों के शहादत के वजह से देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में कंगना अंदर से रिपोर्टिंग करना मना है। अब जरा बताइए, देश के लोगों को अब गुलाम किया जा रहा है कि नहीं। एक बार इंदिरा गांधी के समय में मीडिया पे प्रतिबंध लगाया गया था और लगभग आज के समय में जितना भी सरकारी संस्थान है वहाँ पे मीडिया रिपोर्टिंग पे बैन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनेकों प्रकार का अनियमितता किया जाता होगा, उन चीज़ों को हम लोग ना दिखाएं इसके लिए हमें अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। हालांकि आप टिकटॉक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रील वीडियो इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, फेसबुक पे बना सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन मीडिया को नहीं घुसने देंगे। इस देश के सभी मीडिया बंधुओं से मैं विनती करना चाहता हूँ कि अगर मीडिया को इस प्रकार के जगहों से रिपोर्टिंग करने से मना किया जा रहा है तो आप लोग नेता जब उद्घाटन करने आते हैं ना ऐसे ऐसे जगहों का, तो उस समय भी रिपोर्टिंग मत किया करो। बस अगर मेरा प्रयास ये आप लोगों को अच्छा लगे तो एक काम जरूर करना, शेयर करने के दौरान जो है ना, नवजीवन सिंह सिद्धू जो पंजाब के नेता हैं, जिस पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी को बर्बाद करते हैं, उनसे टैग जरूर करना ताकि उन्हें ये एहसास हो कि इमरान खान कभी उनका भाई नहीं हो सकता है और एक हिंदुस्तानी का भाई कभी पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण जो है ना वो पाकिस्तान है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े समस्या का कारण जो है वो पाकिस्तान है। बस अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। बाकी आजाद भारत के आजाद लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। पंजाब के करतारपुर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।